हुआ साउंड कहाँ? मैंने डांस भी किया लोगों के लिए. मैसिनो बात बात पे सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, इस्लाम इज गुड, इस्लाम इज गुड. तो मैंने कब कहा कि इस्लाम खराब है? गूगल ट्रांसलेट में क्या क्या बोल रही है मेरे से. ये कह रही है कि ये शादीशुदा नहीं कर सकती क्योंकि ये पतली है. यहाँ पे सिर्फ मोटी लड़की पसंद है और मैं मोटी नहीं हूँ, मैं पतली हूँ, तो उसी वजह से मेरे को यहाँ पे पति नहीं मिल रहा. फिर मैं बोला क्यों है, मेरे को तो पतली पसंद है. फिर बोलते ठीक है तू कर ले शादी. नो 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 नो. मैं हूँ यहाँ पे मोरिटानिया में, सहारा डेजर्ट के बीचों बीच एक गांव जिसका नाम है चिंगुदी, जो कि हिस्टोरिकली बहुत फेमस है. और यहाँ पे मैं ट्रांसफर लेके आ गया अतार से. कैमल मिल्क कैंडल से ओएसिस से और वो हट से जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं. You have three reasons. Looking women fast, ask his family. और पिछले वीडियो में मैं शॉक्ड हो गया कि कैसे यहाँ के लोकल्स लोग रहते थे. और इस वीडियो में तो मैं आप लोगों के साथ और भी शॉक्ड हो जाऊंगा. देखो और एक्सपीरियंस करो मोरिटानिया को आपके एक्सप्लोर राजा के साथ. रात को अच्छे से नींद नहीं आई, सच बता रहा हूँ. बहुत मच्छर थे और ये खुला था. एक टाइम पे बहुत गर्मी लग रहा था, एक टाइम पे बहुत अजीब लग रहा था. तो मतलब लेट से सोया और लेट से नींद उठी. अभी बज रहे 10:10 और प्लान है अभी चिंगुदी जाके शहर में थोड़ा घूमने का और फिर कोई ट्रांसपोर्ट जुगाड़ करने का जो कि अतार ले चले. यही है प्लान आज का. तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिंगुदी के ओल्ड टाउन के अंदर देखने कुछ और दिखाने कुछ आप लोगों को. बहुत धूप है, सुबह के 10 बज रहे हैं और पूरा पसीना पसीना हो रहा है पूरा शरीर. मैं आज तक कभी मिडल ईस्ट या फिर अरबिक देश में नहीं हुआ हूँ, बट यहाँ पे आके एकदम मूवीज वाली फीलिंग आ रही थी. लग रहा था कि कौन से सेट पे आ गए हो, कौन सा वार जोन है, कौन यहाँ पे टेररिस्ट बैठा है. जैसे हम लोगों को मूवी में दिखाया जाता वैसा फील था, बट एकदम सेफ फील हो रहा था. बस यूनिक लग रहा था, हट के लग रहा था. आज तक जितना ट्रैवल किया सबसे अलग लग रहा था, अच्छा लग रहा था. तो ये था न्यू टाउन ऑफ चिंगुदी. पर सामने अभी थोड़ा जाने के बाद मिलेगा ओल्ड टाउन ऑफ चिंगुदी. कहा जाता है ये टाउन बहुत पुराना है, कई हजारों साल पुराना. और यहाँ में जो लाइब्रेरी है वहाँ की किताबें कई हज़ार साल पुराने हैं. कितना हज़ार एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता. जनरली क्या होता है, घूमता हूँ तो मैं गूगल में देख के आप लोगों को बता देता हूँ या फिर कोई लोकल रहता है. यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं है तो आइडिया से आपको बताना पड़ रहा है. शायद मैं वॉइस ओवर में अच्छे से समझा दूँ, बट ये थोड़ा फ्लैट एरिया है. लग रहा है कि कोई एक टाइम पे नदी हुआ करता था, नदी का बे लग रहा है. और फिर सामने है कोचिंग भी थी. बच्चे ज़्यादा बात कर रहे हैं, बड़े अवॉइड ही कर रहे बात करना. और एक और चीज़ जो मैंने अभी किया है वो मोरिटानिया में रिकमेंडेड नहीं है, वो है हाफ पैंट पहनना. पूरा ढकना चाहिए आपको. मैं हाफ पैंट पहन के ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये ठीक ठाक अलाउड नहीं है. चलो फिर भी शॉर्ट्स तो नहीं है, थ्री क्वार्टर है तो लोग उतना कंप्लेन शायद नहीं करेंगे यहाँ पे. बट बिग सिटीज़ में ये नहीं करना चाहिए आपको. ये बुला बुला के लेके जा रही है चीज़ दिखाने के लिए. ये दिखा रही है चीजें लेने के लिए. नहीं लेना यार, यहाँ बुला के हालत खराब कर दी. मैं कहता हूँ नहीं लेना. नो मैसी नो 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 वन टू सावा नो नो बोले नो नो मैसी नो 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 बोले. मेरे को नहीं लेना यार. बार बार बुला बुला के लेके जा रही है कि ले लो ऐसा. ओ शॉट. तो टूरिज्म बहुत कम है यहाँ पे, तो लोगों को बुला के लेके जाती है कि यार ले लो थोड़ा देख लो.
बट मेरे को नहीं लेना, नहीं पसंद ये सब, तो मैं नहीं लेता। और मेरे को ये दोस्त ने मेरे को बना के दिया था, तो पैर पे लोग ये देखते हैं तो सोचते हैं कि मेरे को पसंद है, पर मेरे को एकदम भी पसंद नहीं ये चीज़, ये गले में माला वाला, हाथ में झुनझुना, तो मैं नहीं देखता। बट हाँ, यहाँ से दुकान है, यहाँ पे घर है, अंदर बैठो, बाहर बैठने का सीन ही नहीं, बाहर इतना गर्मी है, अंदर बैठो, अंदर बैठ के थोड़ा बहुत गिफ्ट्स लो, ऐसी हालत है यहाँ पे। ये लगता है मेरे को वाटर टैंक है, आप लोग बताओ क्या है। अफ्रीका का सही एक्सपीरियंस हो रहा है। वो जो किसी से पूछो कि बिब्लियोथेक किधर है, तो शायद डायरेक्शन दिखा देगा लाइब्रेरी का। उधर आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा ड्यून ही ड्यून है, बड़े बड़े ड्यून है, और बीच में बस एक छोटा सा बस्ती है चिंगिथी। वो जो बच्चे हैं बात कर रहे हैं, और मेरे इतने में पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ, मैं पूरा पूरा हाथ ढक के आना चाहिए था। अभी कहाँ है बिब्लियोथेक पता नहीं, चलते हैं। इतना छोटा गांव है कि आप आधे घंटे में पूरा घूम लोगे। और हर गरीब गांव में एक अमीर का घर तो दिख ही जाएगा, बताओ। इंडिया में वही होता ना, एक अमीर का घर तो दिख ही जाता है। हिंद, इंडिया, बिब्लियोथेक, नो 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 बुटीक, बिब्लियोथेक, मैसी, हाँ, अब्दू, नो नो पार फॉर्स है, अब्दू लॉन्च है, मैसी, नो 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 नो, अबार्ज, नो मनी, देख सकते हैं कि कोई भी आ रहा है और पैसे मांग रहा है, हाथ में हाथ दिखा के बोल रहा है कद्दू कद्दू कद्दू, यानी कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो यहाँ पे छोटा छोटा मोटा टूरिज्म आता है, पर सबको लगता है कि हाँ पैसे देंगे पैसे देंगे पैसे देंगे। बिब्लियोथेक तो इधर ही होना चाहिए कहीं पे, देखता हूँ। ओके मैसी, ना फोटो। लोग बार बार बोलेंगे फोटो लो, और फोटो लेने के बाद बोलेंगे पैसे दो पैसे दो पैसे दो। कद्दू पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अंदर बुलाते। वीडियो फुटेज बहुत खराब होगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं कैमरा छुपा छुपा के रिकॉर्ड कर रहा था ताकि इनको पता ना चले। ज्यादा फोकस करके करूंगा तो लोग भाग जाएंगे। कद्दू क्या बता रहे हैं, नो को नेपा। ओके बाय, चाओ, गुड बाय। आप लोगों ने देख लिया कैसे बुलाते हैं। कद्दू वर्ड फ्रेंच का मतलब है गिफ्ट। हर कोई कद्दू कद्दू बोलेगा आपको इस पूरे गांव में, हर कोई, हर बच्चा, बूढ़े भी बुला रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय। लोग मजे भी ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और चांस पे कद्दू कद्दू बोल रहे, कद्दू का मतलब तो कद्दू नहीं होता है, कद्दू का मतलब सुनो समझो है कि इसका मतलब है पैसा। और लगता है यही है वो फेमस बिब्लियोथेक। जी हाँ, यही है फेमस बिब्लियोथेक, यानी कि फेमस लाइब्रेरी। हाँ उधर है, सॉरी गलती से ये बोल दिया। ये ब्लॉगर्स कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इधर है साइन। और मिल गया बिब्लियोथेक का अल अहमद महमूद, यानी कि पुराना लाइब्रेरी। सलाम, अंदर चले जा रहा हूँ, पता नहीं। यहाँ पे जनरल सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं रहता है, और इंटरनेट भी ना के बराबर है, कुछ सर्च करना भी बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी भी दिन में ही रहता है, रात को नहीं रहता है, बहुत ही अजीब हालत है।
फेमस बिब्लियोटेका तो है बट लोग नहीं है। ये तो खंडर का घर है। सुबह के 11 बजे लाइब्रेरी में ताला पड़ा है। आप लोगों को क्या लाइब्रेरी दिखाऊं? और वैसे भी कल होस्ट उल्टा पुल्टा बोल रहा था कि इधर की बुक्स 7,000-4,000 साल पुराने हैं। यार इस्लाम तो इतना पुराना है ही नहीं, और ऊपर से इतने सालों पहले तो किताबें का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, इतने पुराने बुक्स थोड़ी रहेंगे। 2000 साल वो बहुत होते हैं पेपर को डिकम्पोज हो जाने में, और वो भी ऐसे क्लाइमेट में। तो ये सब तो बस टूरिज्म का स्कीम है। शायद होंगे यहाँ पे 200-400 साल पुराने, उससे ज़्यादा तो पुराने नहीं होंगे मेरे को पर्सनली लगता है, बट मेरे को ज़्यादा नहीं पता, बट जितना मेरे को जनरल नॉलेज है उससे मैं बता रहा हूँ। फिलहाल निकल जाते हैं यहाँ पे। मेरा मुंह देख के बोल रहे कि मैं इंडियन हूँ। तो यहाँ पे बुला लिया हम लोगों को, यहाँ पे अपना मुंह ढक रही है, मुंह नहीं दिखा सकती, बट बोल रही है कि तुम सुंदर हो, तुम भारत से हो, अच्छा लगा तुम्हारा मुंह देख के, अच्छा लगा। तो ऐसा है यहाँ पे, लोग बुला लेते दुकान पे, नो फोटो मी नो लाइक फोटो। ओके, इधर लोगों को फोटो लेना उतना पसंद नहीं है, तो जितना मैंने ले रहा हूँ छुपा जगह के ले रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कैसे यहाँ के लोग। बिब्लियोथेका क्लोज्ड, बोले कि मैं बुला दूँ फोन करके जो आदमी है, मैंने बोला छोड़ो यार क्या ही देखना, छोटा सा ही तो है, बाहर से देख लिया वही काफी है। ते कब यहाँ? 200? ओ कोका कोला वेन सेकंड 50 शॉप वेन नो वेन जो कंप्रो आई जो कंप्रो कंप्रो आई डोंट नो ते कब ये 200 हाँ नो कब ये इतना बोल रही थी मेरे को, इतना बोल रही थी नो ते फोटो ते तू नो ते इतना बोल रही थी टी बनाने के लिए, चाय पिलाने के लिए। तो पहले बोली 200 यानी कि आपको मान लो 500 रुपये का चाय, 500 रुपये का चाय कौन पिएगा। फिर मैंने बोला 20 यानी हो गया 50 रुपये, 50 रुपये का चाय। बोला नहीं 20 का भी नहीं, 40 कर दो, 40 यानी 100 रुपये का चाय। चलो 100 रुपये का चाय पी लेते हैं यहाँ पे चिंगुती में, लोगों को थोड़ी मदद कर देते हैं। क्या ये फ़ोटो लेने के लिए मना कर रही है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो चाय बना रही थी, मेरे को लगा ये सिगरेट का पैकेट क्या खोल रही है, फिर पता ये नहीं, ये चाय का पैकेट है, मोर्टेनियन टी 25 ग्राम है। तो ये मोर्टेनिया ये कह रही है कि ये शादीशुदा नहीं कर सकती क्योंकि ये पतली है। पर ओके ये पतली है क्योंकि इनका हाथ छोटा है, आप देख सकते हो पतली नहीं है, मैं पतला हूँ, बट इनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये पतली है और इनसे कोई शादी नहीं करना चाहता। ये 27 साल की उम्र की है और बोल रही है कि यहाँ पे सिर्फ मोटी लड़की पसंद है और मैं मोटी नहीं हूँ, मैं पतली हूँ, तो उसी वजह से मेरे को यहाँ पे पति नहीं मिल रहा, मेरा उम्र 27 साल का है। और फिर मैं बोला क्यों है, मेरे को तो पतली पसंद है। फिर बोलते ठीक है तू कर ले शादी, तो मैं बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ, मेरे को इतनी गर्मी में नहीं रहना है। तो बट ये बोले कि ये पतली है इसी वजह शादी नहीं कर सकती, वैसे पतली नहीं है, मेरे को अब तक जितने भी मोर्टेनियन दिखी उसमें सबसे सुंदर यही लगी। बट अब लोगों ने थोड़ा बहुत कैमरा में शायद देखा होगा इनका चेहरा। तो पहली चाय चिंगुती में, नहीं पहली चाय तो नहीं है ये, ओल्ड चिंगुती में पहली चाय, दिन का पहला खाना, सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर बातें शुरू हो गई और मेरे तो सरप्राइज हो गया कि ऐसे इस्लामिक स्ट्रिक्ट कंट्री से भी ये लोग सेक्स लाइफ के बारे में इतना पूछ रहे थे मेरे बारे में। आई एम वाज शॉक्ड बिकॉज़ यू आर अ मैन एंड यू नीड नाइस सेक्स। फ्रेंच आता नहीं इसलिए गूगल ट्रांसलेट यूज करके बात करना पड़ रहा है, और वाओ क्या बातें हो रही है। गूगल ट्रांसलेट में क्या क्या बोल रही है मेरे से। करके अपनी उंगली से साइन दिखा रही है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पूछ रही है कि मैं वर्जिन हूँ या फिर नहीं, मैं कुमारी हूँ कि नहीं, अमोर, मतलब मैं तो इनसे पूछ भी नहीं सकता, मेरे को डर लग रहा था, पर ये खुल्लम खुल्ला मेरे से सब पूछ रही थी।
No one accepted. Me? No one accepted me. Problem. No money. This is a fact that women love every day with one. I get it. हंसी मजाक सेक्स की बातें तो ठीक था, उसके बाद अचानक रिलीजन आ गया और फिर बहुत एग्रेसिव हो गए, जो कि क्यों मैं हिंदू हूँ और मेरा जिंदगी मतलब वेस्ट है। बोल रहे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए जब मैं मरूंगा मेरे को जहन्नुम में भेजा जाएगा। यहाँ पे मेरे को दुकान पे बुला लिया और बोल रहे कि नाचो हम लोगों के लिए, नाचो 10 उगिया दूंगा, नाचो शाहरुख खान जैसे नाचो। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है लोगों से बात करके। ये लोग खुद कैमरा के सामने नहीं आएंगे, बट मी वीडियो लोग बोले कि अभी इंडियन गाना बजाता हूँ, हम लोगों के लिए नाचो, हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो पूरा मेरा पोपट कर रहे इधर, और मज़ा आ रहा है और बहुत उल्टा उल्टा बातें भी कर रहे हैं। फिर बाद में बोल रहे कि ये मजाक से कह रहा हूँ। तो लोग इंटरेस्टिंग है, उनको कुछ काम भी नहीं है, मेरे को कुछ काम नहीं है, आज ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, दोनों से बकचोदी कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही चल रहा है मेरा, ऐसा दुकान है। This? No. Why? Sound? बुलाती है पर जाने का नहीं। Swap. I have a blanket. Blanket in. Show blanket. Crème. Couverture. The India. No. आप लोगों ने देखा, मैं थक गया इनसे बात करते करते, थक गया। इनको क्या बताऊँ, मतलब क्या ही बताऊँ तो आप लोगों को। बोल रहे फ़ोन एक्सचेंज कर लो, वो तो चलो ठीक है। फिर मेरे को डांस कराया, मैंने डांस भी किया इन लोगों के लिए, और फिर कहती है मेरे को क्या, ये अंगूठी, सोने की अंगूठी देख के पागल हो गए सब कोई। मैं खोल के बोले देख, खोल के दो, मैं खोल के दिया, सब कोई देख रहे हैं, अरे ये सोना है, हाँ सब फोटो ले रहे हैं इसका। फिर बोल रहे मेरे को दे दो, गिफ्ट कर दो। बहुत बात किया, फिर बात करते करते एक घंटे से भी ज़्यादा बात किया, अब मैं थक गया हूँ और बात नहीं कर सकता। बट बीच बीच में बोल रहे, बात में सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, इस्लाम इज़ गुड। तो मैंने कब कहा कि इस्लाम ख़राब है, इस्लाम भी गुड है। फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ हिंदू गुड, क्रिश्चियन गुड है, सब गुड है। फिर बोलते नहीं, तुम मरोगे तो तुम आग में जाओगे, हिंदू नॉट गुड, क्रिश्चियन नॉट गुड, ओनली इस्लाम गुड बोल रहे हैं। फिर मैं थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर गूगल ट्रांसलेट में बोलते हैं कि आई एम जस्ट किडिंग, ऑल आर गुड। घंटा गुड इधर हॉस्पिटल टाइप का कुछ है, इधर टूरिस्ट आए पता नहीं, इसको सब पकड़ लिया है। चलो मैं थोड़ा और घूम भी लेता हूँ, आज शायद ना ही जाना होगा मेरा उधर। तो यहाँ पे एक और लाइब्रेरी है, बिब्लियोटेक नाम का, और इसका बोल रहे कि 100 देना पड़ेगा एंट्री के लिए, यानी कि 250। इनके पास टूरिस्ट बहुत कम आते हैं तो जायज से, बट मेरे को नहीं करना, मैं थक गया हूँ धूप में मचर करते। चाय पी लिया, पानी मिल गया 100 रुपये में चाय और पानी, ठीक है अभी यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है ना। और अभी अचानक देखो कितना बड़ा तूफान चालू हो गया है, चिंगुदी में तूफान। प्लान था उसी दिन अतार जाने का, बट अतार जाने के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुबह के 5 बजे आता है, तो मैं हॉस्टल आ गया वापस। और यहाँ पे भाई कितना बड़ा तूफान हो गया था, वो तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, पिछला वीडियो भी जाके देखो जिन्होंने नहीं देखा। और फिर क्या, सब बालू वालू हो गया, मैं अपने कुछ सामान भी खो गया, बाद में पता चला कि उड़ के कुछ सामान चले गए। तो 1.5-2 घंटे की सैंडस्टॉर्म के बाद
फाइनली ख़त्म हो चुका है यहाँ का मामला। चारी ओर तोड़फोड़ हुआ है, बट उतना भी तोड़फोड़ नहीं, बट उतना नहीं हुआ है जितना लग रहा था। नाम बड़े दर्शन छोटे, सैंडस्टॉर्म के छोटे ही बेटर है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो आपको ये वीडियो ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आज हम लोग इफ्तार नहीं करने वाले हैं होस्ट के फैमिली के साथ। आज हम लोग पैसे ही चल के जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने का मिलता है कि नहीं यहाँ पे। तो शाम के 9 बज गए और चिंगुती कुछ ऐसा दिख रहा है। हम लोग हैं न्यू चिंगुती में और उधर है ओल्ड चिंगुती, वो तो और भी भयानक होगा। बट आज मैं निकला था अपने दो दोस्तों के साथ हॉस्टल के कि कुछ लोकल रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, लोकल रेस्टोरेंट लोकल के साथ खाएंगे। बट यहाँ पे लोकल रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा गांव है। हालांकि इंडिया में भी छोटे छोटे गांव में भी छोटे छोटे ढाबा रहते हैं, बट यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो इधर था पुलिस की चौकी, तो पुलिस की चौकी में गए और पूछा कि यार खाना कहाँ पर मिलेगा, अच्छा रेस्टोरेंट दिखाओ। रेस्टोरेंट तुम जिस होटल में रह रहे हो उसी को खाना मिलेगा, बट हमारा जो होटल वाला था उसका खाना अच्छा नहीं लगा और बहुत महंगा था, तो हम लोगों को सोचा कि कहीं और जाते हैं। तो उन्होंने दिखा ये एक और ऑबर्च, मतलब एक और हर ऑबर्च के साथ रेस्टोरेंट है, मतलब हर होटल में ही रेस्टोरेंट मिलता है, अलग से रेस्टोरेंट नहीं है। तो हम लोग आ गए इस होटल में और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा इधर भी सेम प्राइस बोला, 250 हो गया, यानी कि मान लो तकरीबन 700 रुपये खाना खाने का। पर हमने अपना इंडियन जुगाड़ लगाया और थोड़ा बार्गेन किया और हम लोगों को थोड़ा सस्ता में मिल गया, 500 हो गया हमें दो जन का खाना। नाइस गाइस, ओके लेट्स ईट। तो रात को आज भी नहीं सो पाया ठीक से, अगला दिन यहाँ पे चिंगुती में। बट सुबह के 5 बज गए, अभी हम लोग निकल रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेके वापस अतार, क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना पड़ता है। तो सनराइज़ भी नहीं हुआ है, बट हम लोग निकल पड़े हैं। चिंगुती से निकलने के लिए ट्रांसपोर्ट सिर्फ सुबह के 5 और 6 बजे मिलते हैं, क्योंकि गाड़ी जाता है चिंगुती से अतार में माल लेता है और वापस सनसेट के पहले आ जाता है चिंगुती। तो हम लोग सुबह के 5 बजे निकल गए, पहुंच गए अतार और 7 बजे ले लिया अतार से ट्रांसपोर्ट जो कि जाती है कैपिटल नॉकचौत में। और स्वागत है मॉन्टेनेग्रो कैपिटल। तो यह इस गाड़ी का दिया हम लोगों ने 500 हो गया, यानी कि 1200 रुपये के आसपास, और आ गया नॉकचौत में जो कि कैपिटल दोपहर के 1:30 बजे। सुबह के 7 से 1:30 बज गए।